तमाम लाखों लोगों की जानिब से हमारी भारत की क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देता हूं कि वो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का जीत कर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं। जितने अब तक ग्रुप स्टेजेस के 9 मैचेस वो खेले, बड़े ही शानदार तरीके से उनको फतेह मिली, बड़ा डोमिनेंट तरीके से पूरे टीम्स पर उनको कामयाबी हासिल हुई है। फिर सेमीफाइनल में भी उसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया गया। हमारे कैप्टन जो है इस टीम के, जैसा कहते हैं कि वो इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पूरे बैट्समैन हमारे माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिनर्स अब बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं, फास्ट बॉलिंग में आप देखिए हमारे तीनों फास्ट बॉलर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ख़ास तौर से शुरू के 10 ओवर में। और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ ये बात कहना कि विराट कोहली ने एक गैर मामूली रिकॉर्ड कायम किया है एक बैट्समैन के लिए कि वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 50 सेंचुरी लगाई है। ये बहुत ही गैर मामूली रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया है, बनाया है, और इससे इनकी दिलचस्पी, इससे इनकी स्पोर्ट्स से वाबस्तगी, उनका डिसिप्लिन और उनकी स्पोर्ट्स से मोहब्बत जाहिर होती है। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और फिर ख़ास तौर से मोहम्मद शामी ने जो परफॉर्मेंस दिया है, 3 मरतबा 5 से ज़्यादा विकेट लेना, अब तो 7 विकेट लिए सेमीफाइनल में, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फाइनल जो वर्ल्ड कप का होगा उसमें हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। फाइनल में आना यह खुद एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरीन खेलेंगे फाइनल में, और पूरा मुल्क उनके साथ है, वो कोई प्रेशर में ना आए, अच्छा खेलें, और मुझे यकीन है कि हमारी टीम प्रोफेशनल टीम है, वो अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप में वो कामयाबी हासिल करेगी।